जांजगीर चांपा जिले के नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सभा कक्ष में जिले के सभी अधिकारियों थाना चौकी प्रभारियों की बैठक ली गई। बैठक में सभी अधिकारियों की औपचारिक परिचय पश्चात बेहतर पुलिसिंग हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही थानाओं में लंबित अपराध, लंबित मर्ग, लंबित चलानों एवं शिकायतों की समीक्षा कर लंबित प्रकरणों में शीघ्र निराकरण करने हेतु सख्त निर्देश दिए गए। थाना में आने वाले आमजनों को किसी प्रकार से परेशानी न हो, उनकी फरियाद को गंभीरता से सुनकर उनका त्वरित निराकरण करने हेतु दिशा निर्देश दिए गए। जिले में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु विशेष अभियान चलाकर दुर्घटनाजन्य क्षेत्र को चिन्हांकित कर संकेत बोर्ड लगाए जाएं। मोड़ वाली जगहों पर विशेष रूप से पेड़ों में ट्री स्टिकर लगाने, रात को चलाने वाले भारी वाहनों के पीछे रेडियम पट्टी लगवाने हेतु निर्देशित किया गया। जुआ, सट्टा, अवैध शराब बिक्री पर प्रभावी कार्यवाही करने निर्देशित किया गया। किसी भी थाना क्षेत्र में इस प्रकार की कोई भी आपराधिक असामाजिक गतिविधियाँ पाई जाने पर थाना चौकी प्रभारी की जवाबदेही सुनिश्चित कर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। चोरी, डकैती जैसे संपत्ति संबंधी अपराधों के रोकथाम हेतु गश्त ड्यूटी की समीक्षा कर आउटर कॉलोनी, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर लगातार पेट्रोलिंग तथा बाहर से आने वाले व्यावसायिक आपराधिक गिरोह की पतासाजी कर विरुद्ध कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है।